हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। होली बस आ ही चुकी है और होली में अगर हम घर पे मालपुआ बना लें वो बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में, तो क्या ही बात है। तो आज मैं आप सभी के साथ में मावा मालपुआ बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और मावा मालपुए के साथ में ही आपको बताऊँगी रबड़ी बनाकर, और हम गरम गरम मावा मालपुए को ना ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ में सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल हेवन जैसा टेस्ट करता है। एक बारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मावा मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए मावा, मतलब खोया। तो यहाँ पर मैंने आधा कप खोया ले लिया है। ये घर का बना हुआ खोया है, आप मार्केट से लाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ मावा और साथ ही में इसमें जाएगा दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, उबला हुआ, कच्चा या फिर गाढ़ा पतला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप दूध यूज़ कर रही हूँ और बस इसे ना हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है। वैसे तो आप विस्क से भी फेंट सकते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग जार में इसमें आप चला देंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा इसका। देखिए इसमें ना हमें अभी और दूध लगेगा। दूध आपको एक साथ करके नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो पहले मैंने 1/4 कप डाला था और अब मैं फिर से 1/4 कप दूध इसमें डाल रही हूँ और इसे हम वापस से चला देंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। सी, जो हमने मावा यूज़ किया था वो दरदरा था, तो इसे हमें अच्छी तरीके से चलाना है ताकि मावे के जो दाने हैं ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये हमारा मावा और दूध का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ मैदा। टोटल मुझे 1/4 कप मैदा चाहिए, लेकिन अगेन हम मैदा एक साथ नहीं डालेंगे। पहले इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा डालूंगी और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वापस से इसमें मैं 2 टेबलस्पून मैदा डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं 2 चम्मच 2 टेबलस्पून दूध और डाल रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल जैसे हम पकौड़े के लिए बैटर रेडी करते हैं ना, उस तरीके की होनी चाहिए। और इसका अगर आप बैटर ना फेंट कर बना रहे हैं ना, तो आपको इसे करीबन 5 से 10 मिनट के लिए फेंटना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। देखिए कंसिस्टेंसी कैसी है, जैसे कि हम केक बनाते हैं, हल्की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है लेकिन गाढ़े वाले साइड में। इसमें अभी हमें चीनी नहीं डालनी है क्योंकि ये हम मावा मालपुआ बना रहे हैं, इसे हम शुगर सिरप में डिप करेंगे। और स्वाद के लिए इसमें मैं 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आप इलायची को ऐसे ही डाल सकते हैं, फिर पीस सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है। अब ये देखिए, हमने काफ़ी देर इसे मिक्सी में भी चला लिया है, काफ़ी हल्का हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कोशिश करें लेकिन हल्का नहीं हो पाता है बैटर, तो आप इस बैटर में बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। उससे जो आपके मावा मालपुआ हैं वो अच्छी तरीके से फूल जाएंगे और अच्छा खासा छेद आ जाएगा। अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। चलिए, ये मैंने वापस से मिक्स कर लिया है और इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। कंसिस्टेंसी वापस से देख लीजिए किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे मावा मालपुआ के बैटर की। चलिए, बिल्कुल बढ़िया हमारा ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसे हम रख देते हैं अभी साइड में, तब तक हम हमारी रबड़ी बना लेते हैं और उतनी देर में ये जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसे अगर आपके पास टाइम है और आप मावा मालपुआ बनाना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह आप ये बैटर बना दीजिए और शाम को आप मावा मालपुआ बनाइए। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं मालपुआ। बैटर आपका जितना ज़्यादा रेस्ट करेगा उतने अच्छे मालपुआ बनकर तैयार होंगे, उतने अच्छे सॉफ्ट जूसी बनकर तैयार होंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बैटर बना दिया है, इसे मैं साइड में रखूँगी और तब तक हम अपनी रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे, साथ ही में हम शुगर सिरप भी बना लेंगे, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं रबड़ी बनने के लिए रख देती हूँ। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन आधा लीटर दूध,
दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है ना घरों में, वो भी हम इसमें डाल देंगे। मलाई को हटाना नहीं है। और रबड़ी बनाए या खोया बनाए, कोशिश करें फुल फैट मिल्क यूज़ करके बनाए, क्योंकि अगर आप फुल फैट मिल्क यूज़ करेंगे तो आपकी रबड़ी जल्दी बन जाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी उतने ही दूध में। वहीं अगर आप पतला दूध यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही कम आपकी रबड़ी बनकर तैयार होगी, क्योंकि उसमें फ़ैट तो है ही नहीं, और रबड़ी और खोया तो फैट से ही बनकर तैयार होता है। अच्छी रबड़ी बनाने के लिए पता है क्या करना होता है? इसे आप ना हाई फ्लेम पे ही कंटिन्यूस चलाते जाइए। इसमें ना उफान ना आने दीजिए, ना इसमें मलाई जमने दीजिए। बहुत ही बढ़िया रबड़ी बनकर तैयार होती है। लेकिन इतना टाइम किसके पास होता है? तो आप बस गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी करके छोड़ दीजिए और इसे अपने में ही पकने दीजिए। जब तक ये अपनी आधी या 1/3 क्वांटिटी में नहीं आ जाती ना, तब तक इसे आपको पका लेना है। और फिर इसमें हम डाल देंगे चीनी। अब चीनी कितनी डालनी है? सी, मालपुआ तो हमारा काफ़ी मीठा होने वाला है, क्योंकि उसे हम शुगर सिरप में डिप करेंगे, तो ये रबड़ी ना ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती है, तो इसमें हम थोड़ी कम ही चीनी डालेंगे। तो जैसे 2 चम्मच चीनी मोर देन इनफ है, तो आप बस 1 या 1.5 चम्मच चीनी इसमें डाल दीजिएगा। जब चीनी डालेंगे तो लगेगा कि रबड़ी थोड़ी पतली हो गई है। 1 से 2 मिनट इसे आप और पकाएंगे तो ये आपकी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। फाइनली ये आपकी चॉइस है। मुझे रबड़ी में इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो इसमें मैं 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची का पाउडर नहीं डालना है, आपको खोए वाली ही खुशबू चाहिए, वही स्वाद चाहिए, तो आप इलायची का पाउडर स्किप कर सकते हैं। और बस ये हमारी रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बढ़िया दिख रही है ना? अभी ये गर्म है, ये जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसे हम मालपुए के साथ सर्व करेंगे। चलिए अब हम बना लेते हैं मालपुआ के लिए चाशनी, क्योंकि जब हम मालपुआ बनाएंगे ना, और जब उसे हमें चाशनी में डालना होगा, तो चाशनी ना आपकी ल्यूकवार्म होनी चाहिए, अच्छी खौलती हुई गर्म नहीं होनी चाहिए। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डाली है, तो 1/2 कप इसमें हम पानी डालेंगे, और इसका हमें शुगर सिरप बनाकर तैयार करना है। शुगर सिरप मतलब चीनी बस पानी में घुल जानी चाहिए। इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं लेनी है, बस इतना कि चीनी पानी में घुल गई है, और ना आपको इस शीरे में ना हल्के से चिकनाहट फील होनी चाहिए, बिल्कुल पानी पानी जैसा नहीं, ऐसा लगना चाहिए जैसे कि आपने ना उंगली में तेल लगा लिया है, उस तरीके का होना चाहिए। अब फाइनली चाशनी में फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, करीबन 1/4 छोटी चम्मच, और थोड़े से केसर के धागे, जो कि सर्व करते टाइम ना बहुत ही ज़्यादा रिचनेस वाला फीलिंग देता है, और कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है फिर चाशनी का, और जिसके कारण मालपुए भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलिए चाशनी हमारी तैयार है, इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब हम बना लेते हैं हमारे मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए कोई फ्लैट बर्तन का यूज़ कीजिएगा, जैसे कि मेरे पास ये पैन है, मैं पैन में बनाऊंगी। क्या होता है ना, जब फ्लैट होते हैं तो मालपुए तो पतले पतले होते हैं, और पूरी जैसे बनाते हैं ना, तो फ्लैट होता है ना तो अच्छे से फैल जाता है और फूलता नहीं है, जैसे कि पूरी हमारी फूल जाती है ना, वैसा नहीं फूलता है, दाने आ जाते हैं। अब फ्लैट बर्तन में मैं यहाँ पर शुद्ध देसी घी ले रही हूँ। आप चाहें तो तेल ले सकते हैं, या फिर डालडा ले सकते हैं, या फिर तेल और घी का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, उससे भी बिल्कुल नहीं पता चलता है कि आपने ये तेल में बनाए हैं। मालपुआ को ना हमें बिल्कुल धीमी आंच में सेकना होता है, और धीमी आंच में सेकने से मालपुए अंदर से भी अच्छी तरीके से सेक जाते हैं, तो गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल धीमी रखनी है। घी डालने के बाद ना, जब घी मेल्ट हो जाए, बस फिर इसमें हमें मालपुए का बैटर डालना है। घी को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब मालपुए का बैटर डालने के लिए 1 स्पून को डिसाइड कर लीजिए। वही स्पून से आप सारे मालपुए बनाइएगा, तो जो आपके सारे मालपुए हैं ना, वो एक ही साइज़ के बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 1 टेबल स्पून मेजरिंग वाली स्पून ले ली है, उसी से मैं ये पैन में बैटर डालूँगी, और बैटर डालने के बाद इसे हमें ज़्यादा नहीं फैलाना है, बस आपको हल्का सा पैन को ही ना टैप कर देना है, ताकि इसमें जो हमने बैटर डाला है वो थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाए। और इसमें ना घी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमने मालपुआ डाला है ना, उसका जो टॉप लेयर है ना, वो घी से नहीं ढका होना चाहिए। अगर वो घी से ढक जाएगा तो जो मालपुए हैं उसमें छेद नहीं बनकर आएंगे। जिस तरीके से हम कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाते हैं ना, वही सेम लॉजिक हमें यहाँ पर मालपुआ बनाने के लिए यूज़ करना है। और जब आपको लगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा
पक गया है तो उसे टर्न कीजिएगा। देखिए टर्न करेंगे ना तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एजेस है वो डार्क ब्राउन हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही तो हमें चाहिए। मालपुए की जो एजेस है ना वो अच्छी क्रिस्पी होती हैं और मालपुआ जो अंदर से होता है, जो बीच से होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और जूसी होता है। अब बस आपको मालपुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेने हैं और सेकने के बाद तुरंत ही इसे आपको शुगर सिरप में डाल देना है। अगर मालपुए को आप तुरंत ही गर्मा गर्म शुगर सिरप में नहीं डालेंगे तो मालपुए ना चाशनी को पिएंगे नहीं और फिर आपके मालपुए ना कड़क कड़क लगेंगे, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पैन में ना आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा या छोटा आपका पैन है एक बारी में आप उतने बना सकते हैं, 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, है ना। मालपुए को चाशनी में आपको तब तक रखना है जब तक दूसरे घान के मालपुए बनकर तैयार नहीं हो जाते। बस जब आपको लगे कि दूसरे घान के जो मालपुए हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं चाशनी में डालने के लिए, तब आप पहले वाले घान के चाशनी से मालपुए निकाल लीजिएगा और फिर उस चाशनी में आप दूसरे वाले घान के मालपुए डाल दीजिएगा और फिर ढक ज़रूर दीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से मालपुए चाशनी को पी ले। और निकालना किस में है, मालपुए को निकाल के ना हम इस तरीके से एक रैक में रखेंगे ताकि जितनी भी एक्सेस चाशनी है ना मालपुए के ऊपर वो हट जाए। ये मुझे करना पसंद है क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा ना मालपुए के ऊपर चाशनी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे ही चाशनी में डले डले ही सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारे ये जो मालपुए हैं ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये तो आप देख ही सकते हैं। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। चलिए अब बारी है इन्हें सर्व करने की। सर्व करने के लिए हमारे पास है हमारी बनाई हुई देसी रबड़ी, उसके साथ हम हमारे ये मालपुए सर्व कर देंगे। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना। ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले तो शुगर सिरप डाल रही हूँ, थोड़ी सी आप रबड़ी डाल सकते हैं, थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है आप इसे कैसा सर्व करना चाहते हैं। कई लोग ना इसे वनीला आइसक्रीम के साथ भी सर्व करते हैं। आप बताइए मालपुआ हो गया या फिर गुलाब जामुन हो गया, आपको ये सारी चीज़ें किस चीज़ के साथ खाना ज़्यादा पसंद है। मुझे तो आइसक्रीम और रबड़ी दोनों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस होली के त्यौहार पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी होली। चलिए मेरे हाथ से होली की मिठाई तो खा लीजिए, है ना टेस्टी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।